ओम श्री गणेशाय नमः। सभी सनातन धर्म प्रेमी सज्जनों को मेरा नमस्कार। जय श्री राम। मैं आपका अपना पंडित धर्मराज शर्मा और आप मुझे देख रहे हैं श्री मंदिर पर। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का श्री मंदिर पर। बने रहे हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक। आइए जानते हैं आज के पंचांग के बारे में। आज का शुभ समय राहु काल और आज के दिन को शुभ और मंगलमय बनाने हेतु मंत्र और उपाय। दोस्तों, आज हम आपको कन्या राशि वालों को करने वाले जीवन में कार्य, व्यवसाय, इन सब की जानकारी आपको प्रदान कराएंगे। इससे पहले जान लेते हैं आज का पंचांग। आज संवत 2077 और मार्ग शीर्ष कृष्णा अष्टमी मंगलवार, नक्षत्र पूर्वा फाल्गुनी दिन में 1:47, उसके उपरांत उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र चंद्रमा सिंह राशि पर प्रातः 7:31, उसके बाद में कन्या राशि में प्रवेश करेंगे। सूर्य वृश्चिक राशि पर विराजमान रहेंगे। तदनुसार आज की दिनांक 8 दिसंबर 2020 रहेगी। जानते हैं आज का शुभ समय, जो कि प्रातः 9:21 से दिन में 1:37 और शाम के समय कोदोलिक प्रदोष वेला 5 से लेकर के 6 का समय बहुत ही सर्वश्रेष्ठ मान्य रहेगा। आज का राहु काल दिन में 3:02 से 4:27 का समय अशुभ है, इसे आप त्याग दीजिए। और अभिजीत विजय मुहूर्त दिन में 11:47 से 12:30 का समय बहुत ही शुभ और सर्वश्रेष्ठ रहेगा। आइए जानते हैं आज का विशेष मंत्र और उपाय। दोस्तों, आज आप मंगलवार का व्रत करें और एक समय भोजन करें। शाम को भगवान की पूजन के बाद में भोजन करें। और आज एक विशेष रूप से हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए चमेली का तेल लेकर के उसमें सिंदूर मिलाइए और हनुमान जी की मूर्ति पर उस सिंदूर को चढ़ा दीजिए। और चढ़ाते वक्त हनुमान चालीसा का अथवा सुंदरकांड का पाठ करना बहुत ही शुभ और सर्वश्रेष्ठ रहता है। इससे हनुमान जी महाराज बहुत ही प्रसन्न होते हैं, उनको सिंदूर अति प्रिय है। और भोग में भगवान को गुड़, चना और केले का भोग लगाइए। तुलसी पत्र के द्वारा 108 ओम हनुमंताय नमः या फिर ओम महावीराय नमः, इन मंत्रों से भगवान हनुमान जी की अर्चना करने से मांगलिक दोष निवारण होता है और वैवाहिक जीवन में आई हुई बाधा दूर होती है। दोस्तों, जानते हैं कन्या राशि वालों के जीवन में उपयोगी व्यवसाय। इस राशि वाले टेलीविजन, ब्रोकरशिप और इंजीनियर, घड़ी, मैनेजर, मैनेजमेंट, व्यवस्थापन, डिजाइनिंग और ट्रैफिक पुलिस, यातायात, पर्यटन, प्रकाशन, इसके अलावा खेल कूद के सामान, अध्यापन, कोचिंग क्लासेस, प्रोफेसर और प्राचार्य, अध्यापक, साहित्य कार्य, अकाउंटेंट और स्टेशनरी आदि, राजदूत सेवा, लेखाधिकारी, लेन देन करना और मनोविज्ञान और बैंक बीमा, वकील, कमीशन एजेंट, दलाल आदि, और शेयर मार्केट कार्य, कंप्यूटर सेवा, टाइपिस्ट, रिपोर्टर और कोरियर सेवा आदि, परिवहन संचार और यातायात, ऑडिटर, पोस्ट विभाग या फिर कपड़ा वस्त्र का व्यापार, रेडीमेड सामान आदि का, ये सभी कार्य कन्या राशि वालों के लिए श्री कारक अर्थात शुभ बनते हैं। दोस्तों, कल अवसान देवी की पूजा होती है और व्रत किया जाता है, जिससे कि विवाह में किसी प्रकार का विघ्न उत्पन्न ना हो। इसकी जानकारी हम अगले वीडियो में आप सभी को प्रदान करेंगे। तब तक के लिए आप सभी का दिवस मंगलमय हो। जय श्री राम। ओम।